का गाना आई है जलधारी कर। जी हाँ, इस गाने ने 1.4 मिलियन व्यूज तो हासिल कर लिए, लेकिन लाइक्स की बात करें तो पवन के अब तक बोलबम के जितने भी गीत रिलीज हुए हैं उनमें सबसे कम है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे और क्यों निराश हुए फैंस इस गाने से इसकी भी वजह बताएंगे। आइए हम पहले आपको बताते हैं कि क्या वजह हो गई कि पवन के इस गाने को ऑडियो रिलीज जब हुआ था तो इस गाने को बहुत अच्छा व्यूज़ मिला था, लेकिन वीडियो रिलीज़ होते ही जबकि वेब म्यूज़िक पर, जो कि भोजपुरी का सबसे बड़ा म्यूज़िक चैनल है, उस पर रिलीज़ हुआ और ये हालत हुई। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसे जब शूट किया गया था, पवन और रानी के कुछ सीन्स उस पर शूट किए गए थे, जब उन्होंने साड़ी पर का फ़ोटो का सॉन्ग शूट किया था उन्हीं कपड़ों में और उन्हीं लोकेशंस पे। अगर आप बोलबम के गाने शूट कर रहे हैं तो एटलीस्ट लोकेशन तो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, नहीं लोकेशन चेंज कर सकते हैं तो कपड़े तो चेंज ही कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान उस गाने में नहीं रखा गया। साथ ही साथ लोगों का ये कहना है महादेव के दीवाने जितना पॉपुलर सॉन्ग नहीं है, यानी कि महादेव का दीवाना सुनते ही लोग उसे गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन इस गाने में वो बात नहीं है। जबकि सुर और ताल की सारी सब कुछ चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन चूक थोड़ी बहुत हो जाए और वो भी फैंस के नज़र में आ जाए और उसकी वजह से एक अच्छा खासा गाना भाई इतने कम व्यूज़ पर रह जाए, वो अच्छा नहीं लगता। आप यही नोटिस करेंगे कि खेसारी लाल यादव के गाने के साथ भी हुआ पिछले दिनों। हम बोलबम के गानों की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही लोकेशन पे दो गाने शूट कर लिए गए, यहाँ तक कि सोफे तक बदले नहीं गए और फैंस इतने भड़के कि वो गाने फ्लॉप हो चुके हैं। अब यही हाल पवन के इस गाने के साथ भी हुआ है। फैंस ऐसा नहीं है कि देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसे पसंद करना चाहिए था, जिस तरह से इस गाने का व्यूज़ आना चाहिए था, उस तरह से नहीं आया। लेकिन आज के समय में फैंस इतने चालाक हैं कि वो सब कुछ समझ सकते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं। थोड़ी बहुत आप इस तरह की मेहनत नहीं करेंगे गानों पे तो लोग नहीं पसंद करेंगे। साथ ही साथ आपने नोटिस की होगी कि साड़ी पर का फ़ोटो में जो ज्वेलरी रानी ने पहना है, ठीक वही ज्वेलरी इस गाने में भी रानी ने पहना है। और मेकअप की बात करें तो रानी के मेकअप में भी कुछ खास नहीं है। ऐसा लग रहा था साड़ी पर का फ़ोटो का शूट जैसे ही ख़त्म हुआ डायरेक्ट इस शूट को स्टार्ट कर दिया गया। भाई जो भी हो, लेकिन मैं आजकल के फैंस बारीकियों को भी पकड़ लेते हैं और कई फैंस ने इस बात का खुद खुलासा किया है, हम ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।